क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है एपी इजिकल टू 3, 8, 13, 18। का कौन सा पद 78 है? इसमें हमें एक एपी दी गई है, उसमें पूछा गया है कि उसका कौन सा पद है, मतलब एन का मान याद करना है, पद का नाम पूछा गया है, तब हमें एन का मान याद करना है, और संख्या दी गई है 78। मतलब इस एपी में जो 78 रहेगा वो कितने नंबर पर आएगा ये बताना है। तब हमारे इस क्वेश्चन में हो जाता है सॉल्यूशन में, ए का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 3, प्रथम मान होता है वो हम ए का मान मान लेते हैं। डी का मान हमें हम इसमें से याद कर सकते हैं 8 2 - a1, तो बात होता है डी इजिकल टू 8 2 का मान 8 - 3, डी इजिकल टू 5। यहाँ से डी का मान हम निकाल लेते हैं 5। एन का मान हमें यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है एन का मान, तो बात होता है एन इजिकल टू याद करना है, और ए एन का मान हमें यहाँ पर दिया गया है कितना है 78, तब हो जाता है सूत्र से हम ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। इसमें हम जो जो मान हमें दिया गया वो मान रख देंगे, जो मान नहीं दिया गया वो हम अपने आप याद कर लेंगे। ए एन का मान दिया गया है 78 इजिकल टू, ए का मान दिया गया है 3 प्लस एन का मान याद करना है, डी का मान दिया गया है 5, तो बात होता है इसका पक्षांतरण कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 78 इजिकल टू 10 प्लस, इसका अंदर गुणा करते तब आ जाता है 5n - 5। इन दोनों का अंतर 78 इजिकल टू, इन दोनों का अंतर आ जाता है 5n - 2। अब हम पक्षांतरण कर लेते हैं, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है 5n इजिकल टू, पक्षांतरण करने पर चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है तब माइनस वाला आ जाता है +2, 5n इजिकल टू 80। अब आ जाता है 5n इजिकल टू 80 n का मान याद करना है, तब हम इसका भाग दे देते हैं इधर, तब आ जाता है 80/5, n इजिकल टू 5 का इसमें भाग देते हैं तब आ जाता है 80/5, 5 का भाग एक बार 5, 8 में से 5 के 3 0, 5 का पाटे में 30 आता है 6 बार 0, इसका मतलब 80 में अगर 5 का भाग देते हैं तब आ जाता है 16, यहाँ पर आ जाता है 16, n का मान है वो 16। इसका मतलब इस श्रेणी का जो 16वां पद है, 16वां पद है उसकी का मान आएगा 78, इसका मान कितना होगा 78। जैसे हम इस एपी को संपूर्ण रूप में लिखेंगे तब उसका 16वां पद है, जैसे हम कर देते हैं एपी इजिकल टू, यहाँ पर आ जाता है a1 का मान 3, 8, 13, 18, इसे डैश डैश डैश, यहाँ पर 16 इजिकल टू 78। मतलब जो ए में 16 नंबर पर आएगा उसका मान होगा 78। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें दिया गया है प्रत्येक पद है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक
श्रेणी में कितने पद हैं? पहली श्रेणी हमारी दी गई है 7, 13, 19, 205। इसमें हमें यह पूछा गया है कि यह श्रेणी है, ये 205 है, ये 205 तक इस श्रेणी को हम पूरा लिखेंगे तब 205 तक है वो कितने पद होंगे। इसका मतलब हमें कितने पद, कितने मतलब कितने पदों का मतलब हो जाता है। इसमें हमें एन याद करना है, एन का मान है वो लास्ट पद वाला होता है उसको हम एन कहते हैं, फर्स्ट पद को हम ए कहते हैं, इन दोनों का अंतर होता है उसको हम बी कहते हैं। तो हम सोल्यूशन कर लेते हैं, ए इजिकल टू 7, डी इजिकल टू 8 2 -a1, डी इजिकल टू 8 2 का मान हमें दिया गया है 13 -7, डी इजिकल टू 7, 13 में से 7 के पीछे बचता है 6, डी का मान आ जाता है 6। एन का मान हमें क्या करना है, याद करना है, और ए एन का मान है वो जो लास्ट पद होता है उसको हम ए एन कहते हैं, ए एन का मान आ जाता है 205। अब हम सूत्र में करते हैं, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए एन का मान हमें दिया गया है 205, ए का मान दिया गया है 7 प्लस एन माइनस वन, डी का मान हमने याद किया था 6, तो बात आता है 205 इजिकल टू 7 प्लस 6n-6। 6 में से अगर 7 में से 6 जाते हैं तब पीछे बच जाते हैं 1, 1 प्लस 6n पक्षांतरण, करने पर पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है 206, 205 यहाँ पर प्लस का है तब इधर आके माइनस हो जाता है इजिकल टू 6n, 6n इजिकल टू 204 यह आ जाता है। अब हम करते हैं 6n इजिकल टू 204, इसका अगर इसमें भाग देते हैं तब हमारा एन का मान प्राप्त हो जाता है 204/6। 204 में अगर 6 का भाग देते हैं तो आ जाता है 6 3 18, पीछे बचता है 2 4 6 और 4 24। इसको हम आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 4 भाग 6 6 3 18, पीछे बचता है 2 4 24 में 6 4 24, एन इजिकल टू 34। इस प्रकार हमारे एन में वो 34 यानी 205 है, इस श्रेणी में हम अगर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तब 205 तक आएंगे, तब कुल कुल पद है वो 34 हो जाएंगे, 34 नंबर पर 205 आएगा। अब हम करते हैं इसका दूसरा भाग, इसमें सेकंड भाग में हमें दिया गया है 18, 15 सही 1/2, 13 डैश 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 -47। इसमें हमें बताना है -47 तक आएंगे तब कुल कितने पद हो जाएंगे। तब हम सॉल्यूशन में करते हैं, ए का मान ए वन, ए का मान दिया गया हमें जो पहला मान होता है वो ए का मान 18, डी का मान हमें 8 2 -a1, डी इजिकल टू 15 -18, तो बाद होता है डी इजिकल टू -3, यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ पर है -18, तो बाद होता है डी इजिकल टू 15 को हम लिख सकते हैं 15 2 30 और 1 31, 31/3
दो प्लस माइनस 18, तो बात आता है दो डी इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, दो दो का दो में भाग देंगे एक, एक को 31 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 31 माइनस दो का एक, दो में अगर एक का भाग देते हैं तब आ जाता है दो, और दो को 18 से गुणा करते तब 18 2 36, 31 तब आ जाता है डी इज इक्वल टू माइनस 36 में अगर प्लस 31 जोड़ते हैं तब पीछे बचता है -5/2, जिसका मतलब डी का मान है वो आ जाता है -5/2। अब हमें इसमें एन याद करना है और ए एन का मान हमें दिया गया -47। तो हम उस सूत्र से करते हैं, यहाँ पर एन इजिकल टू 47, एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा बी। एन का मान हमें दिया गया -47, ए का मान दिया गया 18, और प्लस एन माइनस वन, और डी का मान दिया गया -5/2। तो वो होता है -47, इसका हम ये इजिकल टू 18 प्लस प्लस है इधर माइनस का गुणा करेंगे तब आ जाएगा -5/2 एन, माइनस को अगर माइनस से गुणा करते तब आ जाता है +5/2। -47 इजिकल टू एलसीएम ले लेते हैं दो, इसका हम करते हैं दो आ जाता है, और इसको हम हल करते हैं तब आ जाता है 18 में अगर एक, एक में अगर इसका भाग देते हैं तब आ जाता है दो, और दो को 18 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 36 प्लस 5 इजिकल टू -5/2 एन। 47 इजिकल टू 36 में 5 जोड़ते हैं 41/2, यहाँ पर माइनस का माइनस -5/2 एन। अब हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, यहाँ पर पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है -5/2 एन इजिकल टू -47 -41/2। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पर आ जाता है एलसीएम -5/2 एन इजिकल टू माइनस, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाता है दो, दो का अगर इसमें भाग देते हैं तब आ जाता है ए दो, और दो को 47 से गुणा करता है तब आ जाता है जोड़ में -41। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस संख्याओं का अगर हम ऐड करते हैं तो वो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाती है तब आ जाता है 5/2 एन इजिकल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस जोड़ में +41 अपॉन 2, यहाँ से 2 और 2 बट्टे में अगर समान संख्या हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे इसके हमारे अंश में समान संख्या हो चाहे हर में समान संख्या हो, अगर दोनों में समान संख्या बराबर में हो तो वो आपस में हम काट सकते हैं, तो हो जाता है -5n इजिकल टू 41 और 54 में जोड़ते हैं तब आ जाता है 4 और 1 5, 9 और 4 15। माइनस से माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाता है, बराबर में अगर समान चिन्ह होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एन हमें याद करना है तब आ जाता है 5n इजिकल टू 135। एन हमें याद करना है तब एन इजिकल टू 135/5, इस 5 का इधर भाग देते हैं तब हमारा एन का मान निकल जाता है, एन इजिकल टू 5 का भाग देंगे तब आ जाएगा 5 दिए 5 2 15 और 7 5 35। हम यहाँ पर भाग दे कर देख लेते हैं, 135 भाग 5, 5 2 10 3 5 7 5 35 बचते 0, तब आ जाता है
27, मतलब 27वां पद है उसका मान हमारा कितना होगा, 27वें पद का मान है वो -47 के बराबर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें दिया गया है क्या एपी इजिकल टू 11852 डैश 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 का एक पद -150 है, क्यों इसमें हमें पूछा गया है, इसमें हमें ये एक एपी दी गई है और पूछा गया है कि -150 है ये इस एपी में आता है या नहीं आता है, मतलब इस एपी को हम संपूर्ण देखते हैं तब कहीं ना कहीं -150 आता है, चाहे कोई सा भी पद हो, अगर वो -150 आता है तो कारण क्या है, अगर नहीं आता है तो भी कारण क्या है वो बताना है। तब हम सॉल्यूशन में कर लेते हैं, ए का मान हमें दिया गया है 11 जो प्रथम मान होता है उसको हम ए करते हैं, डी का मान हम याद कर लेंगे -A1 से डी इज इक्वल टू 11 -8 -11 डी इज इक्वल टू -3। एन का मान हमें याद करना है, इससे हमें पता चल जाएगा अगर एन का मान हमारा पूर्ण घन में आ जाता है तब हमें तब हमारा ये 150 एपी में आता है, अगर पूर्ण घन में नहीं आता तब ये नहीं आएगा। एन का मान याद करना है और एन का मान हमें दिया गया -150। अब हम करते हैं एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 गुणा डी, एन का मान हमें दिया गया है -150, ए का मान दिया गया है हमें 11 प्लस डी का मान दिया गया है एन -1 डी का मान दिया गया है -3 तो आ जाता है -150 इजिकल टू 11 -3 और प्लस एन को गुणा करते हैं तो -3n और इन दोनों को अगर माइनस माइनस की संख्याओं से आपस में गुणा करते हैं तब आ जाता है +3 तब आ जाता है -150 इजिकल टू 11 और 3 14 -3n तब आ जाता है -150। यहाँ पर हम कर लेते हैं पक्षांतरण, पर पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है -115 और इधर आ जाता है -14 इजिकल टू -3n। यहाँ से हम करते हैं माइनस माइनस किसी के माइनस कॉमन ले लेते हैं 150 माइनस के कॉमन आ जाता है तब प्लस इजिकल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल 150 में जोड़ते हैं तब आ जाता है 164 इजिकल टू 3n। तब हम यहाँ पर कर लेते हैं 3n इजिकल टू 164। यह अब हमें n का मान याद करना है तब इसमें 3 का भाग इस 3 को इसके बट्टे में लिख देते हैं तब आ जाता है 164/3। 164 में अगर 3 का भाग देते हैं तब आ जाता है 5 3 15 पीछे बचता है 1 और 4 14। 14 में 3 का भाग नहीं जाता है, 14 में अगर 3 का भाग देगा तब आ जाएगा 4 बार 12 पीछे बचता 2 पॉइंट लगा के 6 6, ऐसा हमारा ये भाग आगे संपूर्ण नहीं होता है, इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं 6.7। अगर पॉइंट की संख्या है तब हम वो पद है, पदों की संख्या है वो हमारे पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 164 में इसका भाग नहीं जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6.7। ये एक 150 है, माइनस के 150 है
यह एक उपयुक्त एपी का भाग नहीं है। ये इस जो एपी है इसका भाग यानी इस एपी में आने वाला पद नहीं है, क्योंकि इसमें एन का मान दशमलव में आता है, जबकि अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है उस एपी का 31वां पद याद कीजिए। जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एपी है उसका 31वां पद याद करना है, जिसका 11वां पद है वो 38 है और उसका 73वां जो 16वां पद है वो है 73। मतलब जो 11 नंबर पर पद आएगा उसका मान है 38 और जो 16 नंबर पर आएगा उसका मान है 73। हमें उसका 31वां पद याद करना है, तो हम सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में करते हैं an वाले सूत्र से an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इसमें मैं ना ए दिया है ना डी दिया है और ना एन दिया है, बस सीधा 31वां पद पूछा है। तब हम सबसे पहले 11वां पद है वो कैसे याद करते हैं, तो हम यहाँ पर एन की जगह मान लगा लेते हैं 11 इज इक्वल टू ए का मान दिया नहीं है, एन की जगह 11 माइनस 1 इज इक्वल टू डी ए 11। हमें 11वें पद का मान दिया गया है कितना है 38 इसका मान हो जाता है ए 11 और इसको हम लिख लेते हैं ए 16। ए 11 का मान हमें दिया गया है 38 इजिकल टू ए प्लस 11 में से गया 10 डी, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करते हैं ए 16 इजिकल टू ए प्लस 16 माइनस 1 डी। ए 16 का मान हमें दिया गया है कितना है 73, तो हम कर लेते हैं ए 16 का मान लगा लेते हैं 73 इजिकल टू ए प्लस 16 का मान है 16 में से ए गया 15 डी। अब हम देखते हैं इसमें और इसमें हमारा ए आता है डी आता है, डी आता है, ये संख्या है, ये इधर भी संख्या है। इन दोनों में से हम किसी एक को अगर इन दोनों में अगर हम इक्वेशन इसको दे देते हैं सेकंड, इन दोनों को अगर हम घटा लेते हैं आपस में तब हमारे दोनों में से ए या इधर ए प्लस में इधर ए प्लस में अगर इन दोनों को घटाएंगे तब ए तो कैंसिल हो जाएगा, इससे डी का मान प्राप्त हो जाएगा और डी का मान यहाँ पर रखकर हम ए का मान प्राप्त कर लेते हैं। तब हम करते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तब हम करते हैं 73 इजिकल टू ए प्लस 15 डी और इसका आ जाता है 38 इजिकल टू ए प्लस 10 डी। घटाना है तो प्लस वाली संख्या है वो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, तब हम करते हैं इसमें अब आ जाता है ए से कैंसिल हो जाता है, इधर प्लस का है इधर माइनस का है, तब और इधर हम अंतर याद करते हैं 73 में से अगर 38 घटाते हैं तब आ जाता है 5 और 3 35 और 38 हम जोड़ के एक बार देख लेते हैं 8 और 5 13 और 3 और 3 6 और 1 7, तब हो जाता है 73। इधर 15 डी है और ये माइनस में 10 डी है तब आ जाता है पीछे कितना बच जाता है 15 में से 10 जाता है 5 डी का डी। अब हमें डी का मान याद करना है, तब हम यहाँ पर कर देते हैं
डी इजिकल टू 35। डी याद करना है तब इसका इधर भाग देते रहते, तब आ जाता है भाग देने पर 5। इसको कहा 35, 5 के पहाड़े में 35 सात बार आता है, तब आ जाता है 7, तब डी का मान आ जाता है 7। डी का मान आ जाता है, डी का मान हम समीकरण 2 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे समीकरण 1 में रख दो, दोनों में से किसी में भी रखेंगे तब हमारा ए का मान प्राप्त हो जाता है। हम इसमें समीकरण 2 में रखते हैं क्योंकि हमने पहले दो क्वेश्चन में समीकरण 1 में रख के देख लिया। अब हम एक बार समीकरण 2 में रखकर आपको बता देते हैं। समीकरण 2 में डी का मान रखने पर पुट अप डी वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तब हो जाता है समीकरण 2 में दिया गया है 73 इजिकल टू ए प्लस 15, डी का मान आ जाता है 7, 15 और 15 को अगर 7 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 105, ए प्लस 15 7 105। तब हम इसका कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है ए इजिकल टू 175 माइनस 105। एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में हो तब आप उन दोनों का अंतर पहले निकाल लो, अंतर आ जाता है तो इसमें से तब 2 और 3 32। अब यहाँ पर देख लेते हैं बड़ी कौन सी संख्या, अगर माइनस की संख्या बड़ी हो तब माइनस लगा देते हैं और प्लस की संख्या बड़ी हो तब हम प्लस लगा देते हैं। इसका यहाँ से हमारा ए का मान आ जाता है। अब हमें 31वां पद याद करना है, तब हम देखते हैं हमें यहाँ पर ए का मान पता है, डी का मान पता है, 31वां पद चाहिए तब हमारा एन का मान भी पता है। तब हम कर लेते हैं ए इजिकल टू माइनस 32, डी इजिकल टू 7 और एन इजिकल टू 31। हमें कितना पद याद करना है, 31, तब एन का मान आ जाता है 31। यहाँ पर आ जाता है एन का मान 31 और हमें याद क्या करना है, ए एन, तब आ जाता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान हमें याद करना है, ए का मान दिया गया है माइनस 32 प्लस एन का मान दिया गया है 31 माइनस 1 गुणा डी का मान दिया गया है 7, तब आ जाता है ए एन इजिकल टू माइनस 32 प्लस 30 गुणा 7। दोनों के बीच में अगर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं हो तब उसको हम गुणा का चिन्ह मानते हैं, तब आ जाता है ए एन इजिकल टू माइनस 32 प्लस 7 ये 21 और 0 का 0। ए एन इजिकल टू एक प्लस का एक माइनस का हो, एक प्लस की और एक माइनस की संख्या हो तब हम दोनों का अंतर पहले निकाल लेते हैं और अंतर के बाद हम देख लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, उसका वो हम चिन्ह ही लगा देते हैं। तब आ जाता है 210 में से अगर 32 घटाते हैं, पहले 10 में से 0 में से 2 गया 8, 0 में से 3 20 में से 3 गया पीछे बचते हैं 17। तब यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तब आ जाता है ए एन का मान आ जाता है 178। ए एन का मान हमारा आ जाता है 178, ए एन की जगह हम यहाँ पर लगा देते हैं 31, कितना 31।